जय श्री राम दोस्तों। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदू, करोड़ों हिंदुस्तानी, उनको कितना इंतजार था और वो कितने खुशनसीब है कि वो इस पल को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और हम कितने खुशनसीब है कि हम इस पल को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जय श्री राम, और मैं इतना खुश हूँ। तो गाइस आप अपना ओपिनियन देख के, आप अपना ओपिनियन जरूर करें कमेंट में, और जय श्री राम जरूर लिख के। तो भाई आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मुस्लिम को टारगेट्स करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा कि जो अयोध्या में मुस्लिम लोग रहते हैं और मुस्लिम परिवार से रहते हैं, वो कितने खुश हैं, उनका क्या ओपिनियन है। तो चलिए गाइस देखते हैं। अदनान साहब क्या लग रहा है? एकदम बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम लोग का दिल से अपने घर का दरवाजा खुला हुआ है, आइए रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। क्या लग रहा है, इकबाल अंसारी भी अपना दरवाजा खोल कर रहे हैं? हाजी महबूब साहब हम लोग तो है ही है, हम लोग है ही है, खोलना ही पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग मुस्लिम को टारगेट्स करते हैं कि मुस्लिम ऐसे है ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। अब मैं बात करूंगा कि राम मंदिर के बारे में। और दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ मंदिर से जुड़ी। और मंदिर की नींव के लिए पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हल्दी घाटी और गंगा जैसी पवित्र नदियों में से मिट्टी लाई गई इस पवित्र स्थान को बनने के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जैसे कि नरेंद्र मोदी और स्वयं आदित्यनाथ योगी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा काम कराया, और दिल से धन्यवाद। कितने समय से इंतजार था इस पल को देखने के लिए, हम कितने खुशनसीब है ना कि हम इस पल को देख पा रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा स्वयं आदित्यनाथ योगी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है। इस पत्थर को नेपाल से लाया गया, इस पत्थर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और भगवान श्री राम भी विष्णु भगवान के अवतार है, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। तो आप इसको देख पाएंगे, अगर कोई इस दृश्य को लंबे समय के बाद भी देख पाएगा तो सारी जानकारी मिलेगी इस दृश्य के बारे में, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के बारे में, और इस पल के बारे में कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। दोस्तों अब मैं बताऊंगा इस मंदिर की लंबाई के बारे में। दोस्तों इस मंदिर की लंबाई है 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट, और इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट की है। ये 3 मंजिली होगा मंदिर, और हर मंजिल की लंबाई 20 फीट होगी, और इस मंदिर के अंदर 392 पिलर्स है और 44 दरवाजे हैं। हैंडीक्राफ्ट या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है, वो लिफ्ट से भी मंदिर के दर्शन कर पाएगा, भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएगा, तो कितनी खुशी की बात है। और गाइस बताया ये भी जा रहा है कि गाजियाबाद के एक विद्यार्थी है मोहित पांडे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मंदिर का चयन, इन्होंने मंदिर का चयन किया। मंदिर को बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इसको पत्थर से और कंक्रीट से बनाया गया है। देश भर में सभी स्टेट से हजारों से ज़्यादा ट्रेन चलेगी अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, और सभी भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। और सबसे खुशी की बात तो यह है, जो इस मंदिर में लगने वाली ईंट है उसके अंदर श्री राम लिखा गया है, और ये मंदिर 100 स्क्वायर में बनना है। और एक खुशी की बात तो ये भी है कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट भी बन चुका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने खुश हो, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और अपना ओपिनियन दें कि आप कितने ज़्यादा खुश हो, और मेरी वीडियो कौन कौन देख रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।